क्लोज करना पड़ा। ठीक है, अच्छा बनाओ। हेलो व्यूज, वेलकम टू माय डिजिटल चैनल दर्शन मैकेनिकल। व्यूज, हम आपको एक मालूमती बात बताना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये एक स्पैरल बेवल काटा है EN24 में। लेकिन जब हमने इसका हार्ड ट्रीटमेंट किया तो ये गियर आप देख रहे हो, ये स्क्रैच आ गया। यहाँ पे ये सेंटर पे ये लाइन नज़र आ रही है आपको, इसके दरमियान में देखें ये लाइन है, ये फट गया। यहाँ से सारे दांतों में एक जगह से, दो जगह से, तीन जगह से, चार जगह से फट गया। जब भी आपने हीट ट्रीटमेंट करना हो तो आपने इस चीज़ की याद करनी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो टोटल लाल नहीं होना चाहिए, गहरा लाल नहीं होना चाहिए। तो लाल हो भी गया तो उसको आपके पास, आप उसको पासपोर्ट से लगाते हैं जब मटेरियल के लिए गर्म करने के बाद, तो उसको कम से कम 10-15 मिनट आपने ना इसको बाहर रखना है ताकि इसकी रंगत चेंज हो जाए, इसकी रेडनेस ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद ये ब्लू या गोल्डन शक्ल में आएगा तो उसके बाद आपने पानी में या तेल में डालना है। अगर आप EN24 इस्तेमाल कर सकते हो तो आपको प्रयास लाने की जरूरत नहीं पासपोर्ट्स की। उसके लिए आप इसको डायरेक्ट दांतों को गर्म करके लाल करके, यानी कि मल्टीपल लाइट, तो उसके बाद आप इसमें तेल में डाल दिया, मोबिल ऑयल में, डीजल में, मिक्स तेल में, कोई भी गंदा तेल हो उसमें डाल दिया, आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। ये हमने चार गियर बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और अदर 4। ये सारे गियर हमारे फट गए हैं क्योंकि गलतियाँ हो सकती हैं। अगर हमसे होते हम कहते हमारे व्यू से ना हो। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा लाल नहीं करना। अगर लाल हो भी गया तो आपने पासपोर्ट से लगाने के बाद आपने कम से कम 10-15 मिनट इसको बाहर रखना है, उसके बाद पानी में या तेल में डिप करना है, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट अच्छी चलेगी। हार्ड ये सही हो गया लेकिन हमारी चारों गाड़ियाँ फट गई हैं। ये आपको बताना ज़रूरी है ताकि आपके साथ कभी ऐसा ना हो। हमने तो नुकसान कर लिया, कम से कम आपका ना हो। आपके खैर खो, राशि मैकेनिकल, वेलकम।